हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित विषय के एक्सरसाइज बंसी को हल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का घटाना, और सबसे पहले हम इसमें करेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर समान हों। मान लीजिए हमको घटाना है -4/7 में से -12/7, तो हम इसे कैसे घटाएंगे, आइए देखते हैं। हमें दिया हुआ है -4/7 -12/7, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हमें -12/7 घटाना है -4/7 में से। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि -4/7 -12/7 है, 2 - 1 = 7 होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, यानी कि ये लिखा जाएगा 12/7। और जब इनके हर समान दिए हुए हैं तो हम सीधा सीधा यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, और ऊपर -4 + 12। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -4 + 12 दोनों संख्याओं पर अलग अलग चिन्ह हैं। अगर संख्याओं पर अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं तो वो संख्याएं घटती हैं, और एक तरह के चिन्ह होते हैं यानी कि अगर प्लस प्लस के चिन्ह होंगे तब भी संख्याएँ जुड़ेंगी, और माइनस माइनस के चिन्ह होंगे तब भी संख्याएँ जुड़ेंगी। और यहाँ पर माइनस प्लस दो तरह के चिन्ह हैं तो संख्याएं घटेंगी, यानी कि 12 में से 4 घटेगा, बचेगा 8/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8/7। अब इन्हीं संख्याओं को हम संख्या रेखा के द्वारा कैसे घटाएंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास है -4/7 -12/7, तो हम इसे सरल रूप में लिख सकते हैं -4/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/7, इस तरह से लिखा जाएगा। अब हमें ये संख्या रेखा पर घटाना है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि संख्या रेखा पर बीच में शून्य होता है और लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ होती हैं माइनस की संख्याएं, और दाईं तरफ होती हैं प्लस की संख्याएं। यहाँ पर हमें -4/7 में से 12/7 को घटाना था, -12/7 को, तो इसलिए हमें यहाँ पर संख्या रेखा पर 1/7 के बराबर एक विस्थापन लेना होगा, यानी एक खाना हमें 1/7 का बनाना होगा। इधर -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7, इस तरह से। और दाईं तरफ प्लस की संख्याएं यानी कि 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 और 8/7, इस तरह से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं -4/7 के लिए हमको 4 विस्थापन माइनस की तरफ चलना होगा, यानी कि बाईं तरफ चलना होगा 0 से, तो हम पहुंच जाएंगे 1, 2, 3, 4, हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद हमको चलना है 12/7 के लिए, इस पर प्लस का चिन्ह है इसलिए ये दाईं तरफ चलना होगा हमें, यानी कि -4/7 से हमको 12 विस्थापन चलना है प्लस की तरफ, दाईं तरफ, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर, हम आ गए 8/7 पर। तो इस तरह से हम फाइनली कहाँ पर आ गए, 8/7 पर। तो ये हमारा उत्तर हो गया 8/7, और हमने एक विस्थापन लिया था 1/7 के बराबर। तो संख्या रेखा के द्वारा भी हमारा उत्तर 8/7 ही आया, और जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था हमारा उत्तर 8/7 ही आया था। तो हम इस तरह से संख्या रेखा के द्वारा भी
परिमेय संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को घटाना जब उनके हर समान नहीं हैं। मान लीजिए हमें माइनस पाँच बट्टे चार में से घटाना है 5/-6। हमको ये घटाना है तो सबसे पहले हमको 5/-6 के हर को धनात्मक बनाना होगा, यानी कि -1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा -5/6 = 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा। यानी कि हमको -5/4 में से -5/6 को घटाना है, यानी हम इसको लिख सकते हैं -5/4 - -5/6। तो जब दोनों माइनस माइनस एक साथ आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं -5/4 + 5/6। अब हम देख सकते हैं कि दोनों के हर अलग अलग हैं, 4 और 6, इसलिए समान हर बनाने के लिए हमको इनके हर का लैसे लेना होगा, यानी कि 4 और 6 का लैसे लेना होगा। देखते हैं कितना आएगा, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, फिर 3 बचेगा, और इस तरह से लैसे आ जाएगा इनका 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12, लैसे आया इनका 12 है। तो हम इनको समान हर बनाकर लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 12 × 4 = 12 × 5 = 15, 4 से 12 डिवाइड होगा 3 बार, तो 3 से गुणा होगी 5 को, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। इस तरह से फिर 12 में 6 से भाग देंगे, 6 × 12 2 बार डिवाइड होगा, और 2 × 5 = 10, यहाँ पर 10 आएगा, यानी कि -15/12 + 10/12 को हमें हल करना है। अब इनके हर समान हो चुके हैं तो हम इनको सीधा सीधा इनके हर को लिखा जाएगा 12 है, और ऊपर लिखा जाएगा -15 + 10। दोनों संख्याओं पर चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए संख्याएं घटेंगी, और चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है 15, यानी कि यहाँ पे बचेगा -5/12 है। और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा -5/12 है। आइए अब देखते हैं कि इस संख्या को हम संख्या रेखा के द्वारा कैसे हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड में माइनस की संख्याएं और राइट साइड में प्लस की संख्याएं होती हैं, और यहां पर इनका हर 12 है, इसलिए एक विस्थापन हमें 1/12 के बराबर लेना होगा, यानी कि -1/12 है, -2/12 है, -3/12 है, -4/12 है, -5/12 है, -6/12 है, -7/12 है, -8/12 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर आएगा -15/12 है। और इसी तरह से इधर प्लस की तरफ हमको 10/12 के लिए 10 विस्थापन चलना होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1/12 है, 2/12 है, 3/12 है, 4/12 है, 5/12 है, 6/12 है, 7/12 है, 8/12 है, 9/12 है, 10/12 है। अब हमें -15/12 के लिए माइनस की तरफ यानी बाईं तरफ चलना होगा 15 विस्थापन। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/12 है
बराबर एक विस्थापन। माइनस 15/12 के लिए पहले हमको 0 से बाई तरफ 15 विस्थापन चलना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हम आ जाएंगे यहाँ पर माइनस 15/12 पर। और इसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें चलना है 10 विस्थापन प्लस की तरफ, जहाँ पर हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं माइनस 15/12 पर। यहाँ से हमको चलना है 10 विस्थापन प्लस की तरफ यानी दाईं तरफ। तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम आ जाएंगे माइनस 5/12 पर, और फाइनली हम आ गए माइनस 5/12 पर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया माइनस 5/12 है, यानी कि माइनस 15/12 है प्लस 10/12 है का आंसर आएगा माइनस 5/12 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुणों के बारे में। सबसे पहला प्रगुण है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण यानी कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमको घटाना है माइनस 5/8 में से, माइनस 5/8 में से घटाना है 3/-7 को। तो देखते हैं कि जो हमें इनका इनको घटाने पर संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। माइनस 5/8 में से घटाना है 3/-7 को। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि अगर माइनस का चिन्ह इसके हर पर है तो हम इसे ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि ये लिखा जाएगा माइनस 3/7, और माइनस माइनस एक साथ हैं तो ये लिखा जाएगा माइनस 5/8 प्लस 3/7। अब जब इनके हर असमान हैं यानी अलग अलग हैं तो हमको इनके हर का लैसे लेना होगा, और इनके हर का लैसे हमको प्राप्त होगा 56, यानी कि इस तरह से हमें लिखना होगा 8 से डिवाइड करेंगे 56 को, 7 बार डिवाइड होगा, 8 7 56, तो माइनस 5 में 7 से गुणा होगी, प्लस ऐसे ही 7 से 56 को डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 8 बार होगा तो 3 गुणा 8, 5 7 35, माइनस का 35 प्लस 3 8 24 बट्टे 56। तो माइनस 35 प्लस 24, दोनों संख्याओं पर चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए संख्याएं घटेंगी, 35 में से 24 घटेगा तो 11 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या पर चिन्ह माइनस का है, तो हमें प्राप्त होगा माइनस 11/56, यह हमारा आंसर होगा। और हम देख सकते हैं कि माइनस 11/56 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है, जो कि पूर्णांक हैं माइनस 11 है और 56। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं का घटाना भी संवरक प्रगुण का के नियम का पालन करता है। और आइए अब एक्सरसाइज 1C को हल करते हैं। पहला सवाल है हल कीजिए 2/3 माइनस 5/3 को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के हर समान हैं इसलिए सीधा सीधा नीचे 3 लिखा जाएगा और ऊपर 2-5 लिखा जाएगा, और 2 में से 5 घटेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3/3, और हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं 3 एकम 3, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा -1। दूसरा है 2/3 माइनस 5/3, इसको हल करना है
तो हम लिख सकते हैं 2/3, माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा 5/3, तो दोनों के हर समान हैं, हम 3 लिख सकते हैं नीचे, और ऊपर लिखा जाएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है -2/3 -5/3, तो हम इसको लिख सकते हैं -2/3, माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा 5/3, तो समान हर है, नीचे हम 3 लिख सकते हैं, -2 प्लस 5 यानी कि -2 प्लस 5 दोनों पर अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए संख्याएं घटेंगी, 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, तो 3 एकम 3 हमारा उत्तर आ जाएगा 1। फिर चौथा है -2/3 -5/3, तो हम लिख सकते हैं -3 -2 -5। अब की बार दोनों संख्याओं पर चिन्ह माइनस का है, यानी एक तरह के चिन्ह हैं, तो संख्याएं जुड़ती हैं, यानी कि 2 और 5 जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और चिन्ह रहेगा माइनस का, -7/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला है 3/7 -8/7। आइए देखते हैं हम संख्या रेखा की सहायता से इनको कैसे घटाएंगे। हम जान चुके हैं संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं और दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 1/7 यानी दोनों का हर 7 है, तो हमको 1/7 की बराबर एक विस्थापन लेना होगा, यानी एक खाना 1/7 का बनाना होगा। इसलिए 3/7 के लिए हम यहाँ पर पहले मार्किंग कर लेते हैं, -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7 और इसी तरह से इधर भी 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। अब हमें 3/7 के लिए 0 से 3 खाने प्लस की तरफ चलने होंगे, यानी दाईं तरफ चलने होंगे, 1 2 3 हम आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद जहाँ पर हम आ चुके हैं 3/7 पर, यहाँ से 8/7 के लिए हमें 8 विस्थापन माइनस की तरफ चलने होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम पहुँच जाएंगे -5/7 पर। तो अब हम देखते हैं कि 0 से हम कहाँ पर आ गए, 0 से हम कितने विस्थापन आ गए हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 विस्थापन माइनस की तरफ। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा, हम आ गए -5/7 पर। तो इस तरह से हम संख्या रेखा की सहायता से हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -4/6 -3/4 को हमें संख्या रेखा के द्वारा हल करना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनके हर असमान हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इनके हरों को समान बनाने के लिए पहले 4 और 6 का हमको लय से लेना होगा। तो 2 2 4 2 3 6 2 1 2 और इस तरह से लय से आ जाएगा 2 × 2 × 3 यानी कि 12 है, इनका लय से आ गया 12 है। तो इनको सरल रूप में लिख सकते हैं हम, 6 2 12 और 4 2 8,
छः से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 बार डिवाइड होगा, 2 से गुणा करेंगे 4 को, तो माइनस का 8 आएगा। इसी तरह से 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 बार डिवाइड होगा, 4 तिया 12 है, और फिर 3 तिया 9, यानी -8/12 में से -9/12 हमको घटाना है। अब हमको संख्या रेखा पर 1/12 के बराबर एक विस्थापन लेना होगा, जीरो बीच में रखते हुए। दाईं तरफ प्लस की संख्याएं रहेंगी, हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। 1/12 बराबर एक विस्थापन के होगा, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12। इसी तरह से इधर -1/12, -9/12, सॉरी -2/12, 3/12, 4/12, -5/12, 6/12, 7/12। तो हमें -8/12 के लिए पहले 8 विस्थापन माइनस की तरफ चलना होगा, ऋण की यानी बाईं तरफ चलना होगा। तो 0 से 8 विस्थापन बाईं तरफ चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे -8/12 पर, और 9/12 के लिए हमको फिर दोबारा से 9 विस्थापन इधर बाईं तरफ चलना होगा। और इस तरह से हम 8 और 9 -17/12 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे 8 और 9 17 विस्थापन के बराबर। तो 17 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, इसका मतलब हो जाएगा कि -17/12, यानी हमारा उत्तर हमें प्राप्त होगा -17/12। अगला सवाल है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो इसके लिए हमको करना होगा कि योगफल में से एक संख्या घटानी होगी ताकि दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि हमको करना होगा -2/9 -6/7, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके हर अलग अलग हैं, इसलिए हमको लैसे लेना होगा इनके हरों का। 9 और 7 का लैसे आएगा 63, और 9 से डिवाइड करेंगे 63 को, 7 बार डिवाइड होगा, तो 9 7 63, और फिर 7 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, 9 बार डिवाइड होगा। इस तरह से 7 2 14 माइनस का 14 आ जाएगा, और 6 9 54 54 आएगा, -14 -54 एक तरह के चिन्ह है दोनों पर माइनस माइनस के, तो संख्याएं जुड़ेंगी, यानी कि माइनस का 68 आएगा, -68/63। ये हमारी अभीष्ट संख्या होगी जो हमें पूछी गई है। इसी तरह दूसरा सवाल है कि -7/2 में क्या जोड़ें, कितना जोड़ें कि योगफल 5/6 प्राप्त हो जाए।
तो इसके लिए हमको 5/6 माइनस माइनस 7/2 करना होगा। अब यहाँ पर 2 माइनस के चिन्ह एक साथ हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2, 2 का 6 का लेस आएगा 6, और 6 6 एकम 6 तो 5 एकम 5 होगा, प्लस 2 3 6 और 7 3 21 हो जाएगा, 21 और 5 26 बटे 6। और इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 से 13 बार डिवाइड होगा और ये 2 से 3 बार डिवाइड होगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 13/3। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वही हमें पहले की तरह करना है कि योगफल में से एक संख्या को घटा देना है तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम योगफल दिया हुआ है -5 और इसमें से हमको घटाना है -6/7, तो हम -5 को -5/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6/7। 7 का और 1 का लेस है हमें प्राप्त होगा 7, इस तरह से 1 सत्ते 7, 7 बार डिवाइड होगा और -5 में 7 से गुणा हो जाएगी, प्लस 7 एकम 7, 1 बार डिवाइड होगा तो 6 गुणा 1 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, माइनस का 35 आएगा, प्लस 6/7, -35 प्लस 6, दोनों संख्याओं पर अलग अलग चिन्ह हैं इसलिए संख्याएं घटेंगी, 35 में से 6 घटेगा तो बचेगा 29, माइनस का 29/7, तो ये दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अगला है, सरल कीजिए, इसमें हमें पहला दिया हुआ है 1/6 प्लस -2/5 माइनस -2/5, तो इसको सरल रूप में हमें लिखना होगा 1/6 प्लस माइनस माइनस लिखा जाएगा, -2/5, और माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा, यानी कि माइनस सॉरी प्लस 2/5। अब हम देख सकते हैं संख्याओं के हर अलग अलग हैं इसलिए हमें 6 और 5 का लेस है निकालना होगा, जो कि हमें प्राप्त होगा 30, तो हम लिख सकते हैं 30, 6 5 30 5 बार होगा डिवाइड तो 5 से गुणा होगी 1 को, माइनस 2 सॉरी 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 30, 6 बार डिवाइड होगा, 5 6 30 तो 6 2 12 हो जाएगा, 2 गुणा 6 हो जाएगा, फिर 5 6 30 तो 6 2 12 हो जाएगा, दोबारा से 2 गुणा 6 चाहें तो हम यहाँ भी इनको कैंसिल कर सकते हैं, -2/5 +2/5 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी दोनों का 0 हो जाएगा और हमारे पास रहेगा 1/6, हमारा उत्तर हो जाएगा। या फिर हम आगे भी करते हैं तो 5 एकम 5 और -12 +12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 छक्के 12 से 30, -12 +12 ये 0 हो जाएंगे, यानी कि 5/30, 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि इस तरह से भी हमको 1/6 ही प्राप्त होगा और इस तरह से भी हमको 1/6 ही प्राप्त होगा। अगला है 3/8 माइनस -2/3 प्लस -5/8, तो इनको सरल रूप में लिखेंगे, पहले हम 3/8 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा -5/8। अब हम 8 और 3 का हमको लेस निकालना होगा,
आठ और तीन का लेस आएगा 24, तो 8 तिया 24, 3 बार डिवाइड होगा, 3 तिया 9, ऊपर 9 हो जाएगा, प्लस 3 8 24 और 8 2 16 है, माइनस 8, 8 तिया 24, 3 5 15, और हम देख सकते हैं 9 और 16 25 हो जाएंगे, 25 माइनस 15 बट्टे 24, 25 में से 15 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 बट्टे 24, और इनको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 5 10 और 2 से ये कटेगा 12 बार, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 बट्टे 12। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।